हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल शिव परिवार में। आज मैं आपके लिए जानकारी लेके आया हूं, जो लोग मंत्र जाप करते हैं, कई महीनों से कई वर्षों से मंत्र जाप कर रहे हैं और कई कहते हैं कि हमें तो कोई अनुभव नहीं हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, मंत्र जाप से कुछ नहीं मिलता, तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये सब बेकार की बातें हैं। सब कुछ होता है, लेकिन इंसान गलती खुद करता है लेकिन उसको मानता नहीं है। पूर्ण सावधानियां नियम हम पालन स्वयं नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं इतने वर्षों से पूजा कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, जाप कर रहा हूं, यहां पर माला जाप की बात आ रही है, तो मुझे अनुभव नहीं हो रहे हैं। देखिए, जब हम किसी देव की इष्ट की हम सेवा करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, उनकी माला करते हैं, उनके नाम की माला करते हैं, कोई गुरु मंत्र की माला करते हैं, कोई देवी माता के मंत्र की माला करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, कोई महामृत्युंजय मंत्र की माला करता है, कोई गायत्री मंत्र की करता है, विभिन्न तरह के मंत्रों का जाप हम करते हैं। देखिए, आग हम जलाते हैं, यदि हम आग को एक पात्र में रखेंगे तो वो आग हरे पर नहीं फैलेंगी, वो वहीं रहेंगी, आपको सेक भी मिलेगा। यदि हमने खुले में आग लगा दी तो वो सारे में जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मंत्र विज्ञान को समझिए, मंत्र किस तरह से कार्य करते हैं। मंत्र एक ऊर्जा है, एक करंट है, बिजली की तारे देखो आप, उसमें हमें कहीं लाइट दिखती नहीं है, लेकिन जब हम उसको कई तरह से कनेक्ट करते हैं और उसमें बल्ब लगाते हैं तो उसमें लाइट आ जाती है, वो हमें प्रकाश देता है। यूं तो अंधेरे में तारे भी नहीं दिखती है, जबकि तारे पूरे शहर को रोशन करती है, तो उसी प्रकार ये जो है, ये जो मंत्र विज्ञान है, ये भी उसी तरह है। मंत्र जाप एक ऊर्जा है, दैवीय ऊर्जा हमें इससे प्राप्त होती है, एक ऊर्जा है, ये सारा खेल ही है। जिस तरह से बिजली की तारों को इंसुलेट किया जाता है, उस पर बहुत सारी प्लास्टिकों की परतें लगा के, कई तरह की वो उस पर इंसुलेशन करके, ताकि वो जो ऊर्जा है वो धरती में ना जाए, कहीं और ना जाए, करंट ना लगे लोगों को। ठीक है, उसी तरह से ये सब है, ये भी एक ऊर्जा है, इसको संभाल के रखना है हमें, उसके लिए कुछ हमें सावधानियां भी बरतनी आवश्यक है। माला ज्ञान जो है, इसके ऊपर बहुत से ग्रंथ भी है। ठीक है, यदि मंत्र के ऊपर बात करेंगे हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। तो अभी बात आई कि मंत्र जो हम जाप करते हैं उसके अनुभव हमें कैसे होगी, उसमें क्या नियम करने हैं, क्या सावधानियां रखनी है हमें। मंत्र जाप जब आप करते हैं, सबसे पहली बात, जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, ठीक है, आप मानसिक जाप करते हैं या वाचिक जाप करते हैं या उपांशु जाप करते हैं, कोई भी जाप करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें मंत्रों की जो श्रृंखला है, माला की जो श्रृंखला है, उसे धीरे धीरे बढ़ाना है। ठीक है,
ऐसा नहीं कि आपने सीधे ही 20 माला शुरू कर दी, 21 माला शुरू कर दी, 20 नहीं होती है, 21 माला की है। 1, 3, 5, 7, 11 विषम संख्याओं में की जाती है, 21, 51। तो ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 21 माला आपने शुरू कर दी और दूसरे दिन आप थक गए, दूसरे दिन आपने 10 कर दी, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे क्रम को बढ़ाना है। आज आपने शुरू में आपने एक माला की, फिर आपके अंदर लालसा पड़ेगी, फिर आपने 5 माला कर दी, फिर आपने 7 माला कर दी, फिर आपने 11 माला कर दी, ठीक है। अनुभव जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि एक माला करेंगे आप अनुभव होगा, नहीं। यदि आप निरंतर 3 महीने तक किसी भी मंत्र का, यदि एक रूटीन में डेली एक रूटीन में 11 माला या 21 माला करते हैं 3 महीनों के लिए मात्र, कोई भी मंत्र लीजिए, वो गुरु से प्राप्त हुआ है मंत्र, गुरु से मिला है तो बहुत अच्छी बात है। वरना यदि आप जैसे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, निवारण मंत्र का जाप करते हैं, माँ को साक्षी मान के उनसे आगे लेके, इसका भी विधान है एक, हम बताएंगे आपको, जो इच्छुक हो वो कमेंट में बताए, हमें हम बता देंगे। तो 3 महीने तक लगातार यदि आप हर रोज एक ही नियम के साथ, नियम में बंध के 3 महीने तक लगातार आप किसी मंत्र का जाप करते हैं 11 माला या 21 माला, तो आपको अनुभव बहुत जल्दी होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये जरूरी है चीज, जितना आप माला जाप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे, उतनी ज्यादा बिजली आपके पास, उतनी ज्यादा एनर्जी आपके पास एकत्र होगी। ये विज्ञान है, मंत्र विज्ञान। मैंने कहा कि माला जब हम जाप करेंगे उसके बाद क्या करना है, उस माला को हमने अपने गले में धारण करना है कुछ समय के लिए। कई लोग कहते हैं कि माला को गले में धारण नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन जब आप उस, देखिए उस माला में जो है ऊर्जा होती है, उस वक्त ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा यदि आप उस माला को अपने गले में धारण करेंगे, ऊर्जा आपके अंदर समाहित होगी, ठीक है। तब तक के लिए आपको वहीं बैठना है, कुछ वक्त के लिए माला को आप जो अपने गले में धारण कीजिए, तत्पश्चात आप उस माला को अपने मंदिर में रख लीजिए, ठीक है। दूसरी बात है आसन। आसन जो है आपका मोटा आसन होना चाहिए, ठीक है, आरामदायक आसन होना चाहिए, आरामदायक आसन होना चाहिए आपके पास। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी कठोर आसन होने, ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या क्या रूल लोगों ने बना रखे। हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं और इधर से हम मोटे उस पे बैठे हुए हैं, कहीं सख्त उस पे आसन पे बैठे हैं, सॉरी, इधर से इधर भी दर्द हो रही, इधर से एकाग्र आपका मन नहीं हो पाएगा। आप ऐसी व्यवस्था बनाइए अपने पास कि आपका मन एकाग्र हो जाए, मोटा आसन लीजिए, ठीक है। और अपने घर के मंदिर में एक पानी का पात्र अवश्य रखें, वो रखना ही है, क्योंकि जो ऊर्जा होती है, आप पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, घंटी बजा रहे, जो भी ऊर्जा उससे उत्पन्न हो रही है वो आपके घर के मंदिर में फैल रही है, और जो जल का पात्र होगा वो उसमें समाहित हो जाएगी, क्योंकि जल के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है, हर चीज को ये समाहित कर लेती है, और ऊर्जा को बहुत जल्दी ये समाहित कर लेती है। फिर उस जल को आप जो है पूरे घर में छिड़क सकते हैं, प्रसाद के रूप में दे सकते हैं सभी को, थोड़ा थोड़ा खुद भी उसको ले लीजिए। और एक बात और, जब आप मंत्र जाप समाप्त करते हैं तो थोड़ा सा जल उसे आचमन से लेके अपने आसन के नीचे डालिए, आसन के ऊपर नहीं, आसन के नीचे, आसन के ऊपर नहीं डालना है, आसन के नीचे डालिए, और 3 उंगलियां, ये जो छोटी उंगली है इसको छोड़ के और अंगूठे को छोड़ के 3 उंगलियों से जो है उस पर लगाइए, और उन 3 उंगली से वो 3 में पानी लगा के, जो पानी आपने नीचे डाला है जमीन पे आसन के नीचे, उससे उस
पानी को जो है अपनी आंखों में थोड़ा थोड़ा डाले हरे भरे, ठीक है, टीका जैसा जैसे होता है वो लगाए, ठीक है, उससे जो मंत्र शक्ति है वो धरती में नहीं आएगी, आपके अंदर समाहित होगी। ये कुछ बातें हैं, सावधानियां हैं। और जब आप जो है जाप करते हैं तो उसके बाद कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए आपको वहीं पे बैठ जाना है, एकदम नहीं उठना है, बैठ जाना है कुछ देर के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो है ऊर्जा होती है। और एकदम आपको ऐसे नहीं कि बैस वसाई में लगे कहीं और, कुछ देर शांत रहना है, क्योंकि वो ऊर्जा आपके अंदर है, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। ये सावधानियां जरूर बरतनी है। गुरु है या नहीं है, तो यदि तो गुरु है, देखिए गुरु हम पर कहेंगे गुरु आप अवश्य बनाइए, गुरु बिन गति नहीं है, ठीक है, गुरु बिन ज्ञान भी नहीं मिलता। गुरु मंत्र यदि है तो आपको अनुभव बहुत जल्दी होते हैं। हाँ, एक बात है जो मैंने अभी कहा कि 21 माला कीजिए आप 11 माला, वो तब की बात है यदि, हाँ यदि आपका गुरु है और गुरु ने कह दिया कि एक माला ही करनी है बच्चा इसकी, इस मंत्र की डेली करनी है या सप्ताह में एक बार करनी है, तो फिर वो उस हिसाब से होगी, क्योंकि गुरु मंत्र पहले से ही जागृत होता है, उसको जागृत करने की जरूरत नहीं होती, सिद्ध मंत्र होता है। इसीलिए गुरु कहा जाता है कि गुरु को बनाइए, गुरु से जो मंत्र मिलता है उसमें वैसे ही 99.9% ऊर्जा आपको गुरु से मिल जाती है, रही बात 0.1% की वो आपने खुद करनी है। इसीलिए गुरु को अवश्य आप धारण कीजिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, आप बहुत समझदार हैं, ठीक है, तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।